ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे रांची रेलवे स्टेशन से, जहां पर इस वक्त रांची चौपारण ट्रेन को रवाना किया जा रहा है झंडी दिखाकर, और सांसद संजय सेठ यहां पर, माफ कीजिएगा, दीपक प्रकाश मौजूद है, राज्यसभा सांसद है, सीपी सिंह मौजूद हैं, और इस ट्रेन को टोरी तक बढ़ाया जा रहा है, यह भी एक खबर है। तो देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे दुल्हन की तरह इस ट्रेन को सजाएगी, और ये लोगों की मांग थी जो पूरी हो रही है। और एक के बाद देखिए झारखंड को कई सौगातें मिल रही है, संथाल परगना में भी बहुत सारी ट्रेनें चली, और अब पिछले दिनों रांची जो है लोहरदगा टूरी लाइन होकर चलने की बात सामने आ गई, हरी झंडी दिया गया, रवाना भी हुई ट्रेन राजधानी, और अब रांची चौपारण एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो देखिए यहां पर पूरी तैयारी है, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश मौजूद हैं, विधायक सीपी सिंह मौजूद हैं, और कई और गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर मौजूद हैं। रांची रेलवे स्टेशन से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है, हरी झंडी दिखाई जाएगी, और देखिए इस ट्रेन को कैसे सजाया गया है, रांची से चौपारण एक्सप्रेस, रांची चौपारण एक्सप्रेस है ये, इसे हरी झंडी दिखाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं रांची चौपारण एक्सप्रेस की, तो देखिए इस ट्रेन को रवाना किया जा रहा है, कितना उत्साह है लोगों में, कितना उमंग है, क्योंकि जब ये ट्रेन चलती है तो न सिर्फ ट्रेन के जरिए यात्री सफर करते हैं, उनकी यात्रा सुगम होती, बल्कि बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ते चले जाती है, आसपास के लोगों की उम्मीदें बहुत होती है, और इसलिए जब ट्रेन चलती है तो ये सभी के लिए बहुत ही खुशी का एक पल होता है, एक नई शुरुआत आप उसे इस इलाके के लिए कह सकते हैं, एक नई चीज शुरू हो रही होती है, और इससे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से यात्रियों को तो फायदा मिलता ही है कि उनके लिए ट्रेन चल रही है, जो आम लोग हैं उनको ट्रेन मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी आजीविका भी इसके साथ चल पड़ती है, बहुत सारे लोग एक नए सफर की ओर चल पड़ते हैं। तो देखिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है, रांची चौपर एक्सप्रेस है ये, लोहरदगा टोरी के रास्ते होकर ये चलेगी। तो देखिए ये लोहरदगा टोरी का जो डया रेल लाइन बना ये कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है और कितनी उपयोगिता इसकी साबित होने लगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस जब रवाना होती थी उसी वक्त से तय हो गया था कि देखिए ये जो लाइन है ये आने वाले दिनों में झारखंड के लिए एक लाइफ लाइन होगी। और देखिए कुछ कह रहे हैं दीपक प्रकाश, सीपी सिंह भी हैं, काफी दिनों से पहले तो ये ट्रेन भी बंद थी, रुकी हुई थी कोविड काल में, उसके बाद अब शुरू हुई है, तो रूट में भी काफी फायदा है, लोगों का समय का भी बचत होगा। देखिए मैं सबसे पहले केंद्र की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और रेलवे मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि लगातार झारखंड के लिए सौगातों का बौछार करने का काम किया, सौगातों की बरसात रेलवे के संदर्भ में किया है। और ये जो ट्रेन है रांची से चौपन जाने वाली, इस भाया लोहरदगा, यह चिर परिचित मांग थी जिसको सरकार ने पूरा किया, केंद्र की सरकार ने किया, और रेलवे मंत्री बधाई के पात्र हैं, और साथ में आके रेलवे के जो डिविजनल जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, DRM साहब, जिनके देख रेख में और ईमानदारी कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम बढ़ते चले जा रहा है, और ये आम जनहित के लिए लिया गया निर्णय है जो जनता के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। मैं अपनी ओर से भी इस ट्रेन के परिचालन के लिए शुभकामना देता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने की कोशिश भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से की गई, वो भी एक सौगात है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आदिवासी समाज नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उनके योगदान देश के आजादी के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों के लड़ाई के लिए,
और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया, और ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, और उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का निर्णय एक ऐसा संदेश हम सब लोगों को मिला है कि हम भगवान बिरसा मुंडा जी को भी याद करेंगे और साथ में सभी स्वतंत्रता सेनानी को याद करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 15 तारीख से 22 तारीख तक हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।